इतनी घिया ले ली है और उड़े मेरे मामा रुके मार मार छिकली, आ जाओ हमारा सब के हम लेके जाओगे के, घिया ले ली, आम भी ले ली, जामन ले ली। कितनी जामन पड़ी उड़ाई है जूठे आवे भी इतने उड़ानी इतने चाहिए इतने ये बताओ गाल लेंगे भरन दे बाल्टी में ये पड़ी कितनी कभी पूरी बारिश कर रखी है देख लो कितनी सारी आम भी आम भी। और दिन जब खेत में जाया करते तो नू बुग्गी में भर कर जाया करते राजगाड़ी का नंबर लग रहा है। ए निधि क्या कर रहा है आज भैंस को नहला रहे हम। अच्छा आज तक कभी सही भैंस नहा दी हुए इतने मुसल मुसल के बाद बने जब अपना गाय थी भाई नहाई होगी के देर वो भी दूर तक पानी गिर गिर के तो भाई राम राम सारा ने आज नहीं दिया रही अपने मामा का इस नाते के करा है मेरा है एक वीडियो बनाने खातर मैं सुनवाई है सारे सिक्रेटरी भी ली करते हैं सिक्रेट सिक्रेट रहने भाई इसने शौक भी है मैस मुछ नवाने का और बाकी में देख के मैस भी नवाने की है के सुतरी चिकनी मैस है 25 लाख की धोती है ना इन्हीं दी देख के बढ़िया सींग है इसके बहुत सुंदर है अरे रगड़ का नवा दे सिंगा दौरे का हाथ मार दे सॉरी मैं सुनवाणी सीख ले ये घड़ी में पानी बांट दिया अड़ा नाश खा दिया इस मेरी घड़ी का ब्लॉग बनाऊ भाई राम राम कर दे सारा ने देखो ये निधि के मामा के बालक है अरे ये निधि के मामा की छोरी राम राम कर दे ए चिड़िया राम राम करिए करिए अरे मानते कौन है आजकल के बालक देखो भैया निधि की नानी है यानी कि मेरी मौसी है मेरा मानी है मौसी राम राम कर दे राम 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 कर रहे हैं तो भाई ये अपने डांगर हैं सारे बछड़ी भी है गां भी है दो गां है दो भैंस है तीन भैंस हैं मेरी और आपकी भैंसा की वीडियो इतनी वायरल हो रहा है एक डांगर तो रखे लो हाँ दिखना पड़ेगा सौ रूम में बांध लेंगे कोई दिक्कत वाली बात ना है सौ रूम में मैस बांध देंगे भाई अपने अपने कमेंट करके बताइयो कितनी मैस बांधनी है नींद की खातर बंधवाऊंगी सुबह से तू डांगरा का करे जाइए और मैं वीडियो बनाए जाएंगी कलेक्शन की जब मैं इसके मजा रहा है अमीन के मुंह में ना नाली दिया करते जब छोटे छोटे थे मैं सुनवा कर एक मैच तो इसी थी नाली ते पानी पिया करती मारी उसके मुंह में दे देते याद है मुसी एक मैच नाली ते पानी पियो थी कती और भाई पानी कती ठंडा हो याड़ेगा क्योंकि जमुना तले है यो गांव बड़ोली सोनीपत के नजदीक अपने यमुना के नजदीक इतनी नजदीक है भाई परली साइड में यूपी है और उरली साइड में हरियाणा का जो लास्ट लास्ट वाले गांव मामया है कति सीम का सीम बड़ा है खेत का खेत बड़ा है यूपी के हरियाणा के और भाई अपने ट्रैक्टर हैं अपना गांव है यो मेरा जन्म भूमि और मैं अपने पापा तभी मिलवाऊंगी भाई मेरे पापा जो मेरा रियल पापा वो आप तक मिलवाऊंगी मैं पहली बार वो देखो कैमरे में के रिएक्शन करेगा पहली बार कैमरे के सामने आओगा और भाई मेरा माँ नहीं है 18 साल हो गए माँ मरे तो ये मेरा पापा है पापा राम राम कर दे वे सब ने राम राम कर लाइक सब्सक्राइब शेयर करो हमारी वीडियो को राम राम करिए एक वैसे ने राम राम मेरे पापा राम राम कर रहे हैं भाई पहली बार मेरे पापा कैमरे के सामने आए हैं बहुत शर्मावे हैं कति एक बोले जमींदार हैं कति बहुत बोले जमींदार हैं सारी उम्र गई जमींदार करते करते ये भी तो भाई आज मैं पहली बार मेरे पापा ने कैमरे के सामने लेकर आई हूँ तो पापा आप हमारी वीडियो देखा करो देखो धारी वीडियो भी मेरा पापा लाग रहा है नहीं मेरा किसकी वीडियो देख कर लाग रहा पर देख कर लाग रहा तो भाई मेरे पापा ने नहीं बोलना है कैमरे के सामने क्योंकि बहुत शर्मावे है खेता में रह रहे भाई सारी उम्र गई जमींदारा करते करते ये जवार है ये भी अन्नी दी सारी मैं सुनवा देगी इनकी जवार है देखो कितनी बड़ी बड़ी जवार खड़ी है और भाई ये अपना मंडासा यो फराटा लगा रखा है इन डांगरा के ऊपर ये बछड़ी है ये गां है मैस भी है भाई देख कितने शैतान बच्चे हैं डर हर कैमरे खोलते बाजा है तो भाई यार पानी की बहुत मौज रहा है मतलब खटका दबाते पानी और कति जम हरिद्वार जी सा पानी है ना निधि तो आज के व्लॉग की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है ये अपनी बुग्गी है और ट्रैक्टर है और या फिर अरे ये देखो बच्चे के काम देख लो छोटे छोटे बच्चे हैं क्योंकि भाई मेरे चाचा है जो वह मेरी चाची थी जिन मैं मौसी को हूँ मेरी चाची थी वह अरे ट्रेली रेत की भर रही है इनकी
अरे ये देखी कितना वे एकदम टेबल टे सारी चीज घेर रही है छोरी खेलन खातर है ना ये इस गुड़िया के काम होंगे ये इसकी गिल्ला खेला माटी में नीति यो के है ये देख तेरा खादर दलिया बना रखा है बैसा बैसा का भैया दलिया नीति रोड़ते हुए बना दे वीडियो दलिया रोड निधि निधि आज सारा धंधा पकड़ेगी ये देखो ये निधि की मम्मी है नमस्ते हेलो बोलो सारा ने देखो आप सब ने देखी होगी एक इसकी और मेरी वीडियो वायरल हो रही है काले सूट में है ना वायरल हो रही है ना तो भैया इसकी मम्मी है निधि की मेरी छोटी भाभी तो निधि नु का एक बाख रोड ते की वीडियो बना दी मैं वीडियो बनाऊ व्लॉग अटके में फिर अटके फिर व्लॉग शुरू करूंगी यो भाई शाम का टाइम हो गया है मम्मी और नाना दोनों साथ में बैठे हैं यहाँ थोड़ी देर बैठ के बातचीत करी नाना ज़्यादा बातें बातें नहीं करा रहे हैं नॉर्मल मतलब हाँ ठीक है सब घर परिवार ठीक है बस इतनी बातें होया कर रहे हैं वरना अपना फ़ोन में न्यूज़ देखने लग रहे हैं पहले तो टीवी में न्यूज़ देखा करते ईब जब तय फ़ोन दिया है तो फ़ोन में न्यूज़ सुने जावे हैं अरनो बताओ ये ज़िंदगी किसने जी है देखो इस बच्चे ने देखो मिट्टी गिल्ला खिला लग रहा है मस्त है हल्की हल्की बारिश होने लग रही है मुक्की के बनावा है ए, ये तो वाह चिड़िया है इसी लागे जन मुकुल बैठा है के बनावा बेटी के बनावा तू वो भर रही है ट्रैक्टर ट्रेली मट्टी के कल भी अड़े बैठी थी या जिंदगी भी कितनी सुकून की भाई कोई टेंशन नहीं कोई चिंता नहीं अपनी मस्ती में मस्त और यहाँ चल रहा है निधि का खाना 9 बजे है 9 बजे है खाना खा लिया निधि ने क्या क्या खाया था ना खाने में हमने खाया है हलवा रोटी लस्सी सब्जी हलवा बना रखा था बारिश हो रही है भाई कती बढ़िया मौसम हो रहा है कती ठंडी ठंडी बारिश क्या करना भाई हरिद्वार का पानी अपने बड़े तो काम नहीं कर रहा होगा फिलहाल ना बारिश है सारी का पाओगी मानसून बता रखी कई दिन की बढ़िया ठंडी हवा चल रही मौसम में बाहर घूमने जा रहे हैं मजा गर्मी वाले में नहीं इस तो पहला कितनी गर्मी थी 2 दिन पहला उस मौसम में तो कितने भी जान का जीना करे करते बाहर लकड़न नहीं हाँ जब ये बूंदा बांदी हो जाए ऐसा मौसम हो जाए जब नुजी करे जनों कितने आन जावे ना बाकी पापा ने 5 दिन की छुट्टी ली थी उन 5 दिन की छुट्टियां में कहते बाहर जाया करते सारा प्लान पोपट हो गया ना जान पाए के ना बिजी लाइफ हो रही ज्यादा तनिए है और ये उड़ा रहे हैं पतंग हवा में दिख भी नहीं रही कितने कति छोटी सी लग है तने खुद उड़ाई है जूठे आप भी है तने उड़ानी ये देखिए कलाकारी सुबह सुबह मस्त बारिश हुई है अरीब ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई खाना वाना खा के अरीब जान लग रही है खेत में और दिन जब खेत में जाया करते तो नू बुग्गी में भर के जाया करते राजगाड़ी का नंबर लग रहा है अरे ना यह खेत इसे है हम पिकनिक मनाना है कहते जब छोटे थे लगा लो 3-4 साल पहला कुछ को है वो आदमी की को है आगे आगे की है रास्ता मोटरसाइकिल चल अपने बाल का ना कहता होगा ठलो मोटरसाइकिल निकल जाएगी निकल जाएगी आराम तो देख ले भाई देख ही नहीं थी मोटरसाइकिल ठीक से मोटरसाइकिल चल चल निकाल ले बहुत है मेरी माम भी यार इतना सारा खाना बना के ऐसे टिफिन में पैक करके बैठ के ट्रैक्टर ट्रेली पे ऐसे जाया करते और खेत में करके काम धाम नहा धो गए मस्त खाना खावे थे कति मौज बाहर जाने की जरूरत नहीं कराए पिकनिक है ना मामी और जो
जो अपने वाली साइड है उतनी इतनी ज्यादा ग्रीनरी नहीं है उड़े, ये साइड ज्यादा है सोनीपत साइड। कितनी दिनों बता के गए खेत पछाण तो है मने इतने सारे आम के पेड़ हरियाली के बीच में पहाड़ तो सही लगते हैं ठंडी ठंडी। ये ढाई है पेड़ा की, ये तो प्यारे अंबी है, स्वाद है बढ़िया, अजीब सा मीठा है। आपकी ड्रेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हम भी पता पीप पड़े आगरा है। निशांत बोले भाई हम भी नहीं सुन रहे। हटा साइड देने छोटे वाली है, टपके वाली है तो टपकान लग रही है। सच्ची मिट्टी का कपड़ा है ये, पल 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 क्यों जगह? अच्छा जब तो मैं खुद ही छीटा लग जाएगा मेरे सूट पर, छीटा सूट हो जाएगा। इतने चाहिए इतने? ये बताओ कर लेंगे भरने दे बाल्टी में। ये पड़ी कितनी? ये कभी पूरी बारिश कर रखी है, देख लो कितनी सारी आम्बी आम्बी। की बागे हैं भाई जामन पे और पहला थे आंब पे। और ये देखो जामन दिखते हो आप सबने, ये जामन है काली काली दमड़सी करेंगे उस डाले में बड़ा आराम तो चढ़िए भाई आराम तो। तेरा डर नहीं लगता कि बेटा पसड़ती है ना? तो बचपन से चढ़ रहा है इन पेड़ा पे, छोटा सा भी लड़का चढ़िया करता नाश्ता करती मेरी माँ जब चढ़िया करता। अरे जोगिंदर आजा भाई नीचे आजा रहने दे सामने ना। आज पूछ ले तो ले पानी है, पानी कितना पानी रहा आद पूछने की बात नु देख आधी बीच में जाके धोया उड़े उड़ा सही साफ पानी है। पल्ली पकड़ो भाई जामन पड़ेंगी इस पे। फिर सुरड़ा तरिया खाना जरूरी था हाथ धोने। हाँ मेरे पे तो जामन लाग जाएगी भाई, तो पकड़ ले रहे निशांत। तो भाई देखो मैं आप सबने बता दू क्या क्या है, ईख बो रखा है यो, और याड़ा चल रही है धाना की तैयारी, और वो है जो मेरा चाचा बोला है, वैसे बाबू बोला रहे ने आम चाचा ने, ये मेरे बाबू है और पापा आप तो दिखाया था व्लॉग में भाई। अपने किले हैं मेरे खुद के मेरे पापा के, एक यो किला है इसमें ईख बो दिया और अगले में घिया है, और ये दाना की प्योद तैयार कर रखी है, इसमें ये प्योद तैयार होगी है, और ये घिया है, ये घिया ने कई महीने हो गए लागे ने, ये भी नुकारी नबा देंगे और इसमें भाई धान ला देंगे, क्योंकि इसका जड़ा हो लिया घिया का पूरे किले का। ये सब देख सको आप पूरा किला घिया का है, वाला हल्की घड़ी घिया बहुत महंगी हो रही है और जड़ा कम हो गया, जिस तरह से घिया महंगी होगी उस तरह से जड़ा बहुत कम हो रहा है घिया का। फूल बतेरे आ रहे हैं पर गंदे होगा जड़ जा है, और लाग भी रही है नमड़ भी रही है घिया। ये देखो छोटी छोटी दो घिया गिर रही, नमड़ लाग रही है
ਅਰੀਬਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਡਾਂਗੀ ਬੂੰਦਾ ਬੰਦੀ ਹੋਇਆ ਪਾਛਾ ਜਬ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰ ਔਰ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰ ਕੀ ਆ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਮੈਂ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰੀ ਕੇ 11:15 ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਮੈਂ ਲੱਗਣ ਕਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰ ਔਰ ਯਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਈਬ ਤਾਂ ਅੰਬੀਆ ਕੀ ਤੋੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ ਅੰਬੀ ਤੋੜਾ ਥੇ ਔਰ ਈਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਮੁਣ ਅਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਠੜਾ ਦੇਖਾ ਜਾੜਾ ਬੰਬ ਜਮ ਅੰਬੀ ਤੋੜਾ ਥੇ ਉਹ ਥਾ ਕੋਠੜਾ ਬਈ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਥੇ ਔਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇੜ ਥੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਪੇੜ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਟਹਿਣੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਮੋਟੇ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਟਹਿਣੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਮਣ ਨੇ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਮਣ ਆਂਬ ਔਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇੜ ਤੇ ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਟੁੱਟ ਗਏ ਔਰ ਨੀ ਦੀਪ ਤੂੰ ਕੇ ਕੀ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਜਾਮਣ ਖਾ ਹੈ ਜਾਮਣ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੋ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੀ ਲੋ ਭਾਈ ਲੋ ਗਿਲਾ ਗਿਲਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਗਿਲਾ ਗਿਲਾ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਅਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਲਾਠੀ ਬਗਾਣ ਕੀ ਕਹੀ ਤੀ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਗਿਰ ਤੇਰੇ ਜੜ ਜਾਂਗੇ ਲਾਠੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹੀ ਛੋਰੇ ਪੈ ਪਰ ਉਚਾਈ ਵੀ ਘਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਦੇਖੀ ਬਹੁ ਨੇ ਟੰਗ ਦੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਟੰਗ ਦੀ ਨਾ ਤਿੰਨ ਸੰਨੇ ਬਾਜ ਹੈ ਲੈ ਮੈਂ ਵੇਖ ਅੱਜ ਜਾਮਣ ਖਾ ਲਿਉ ਇਹ ਵੇ ਬੇਕ ਸੁੱਤੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਖਾ ਗਰੂ ਬੇ ਥਮ ਲਾਲ ਖਾਤੀ ਹੋ ਤੇ ਬੇਸਕ ਤਾ ਜਾਮਣ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਈ ਹਰਿਆ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੂੰਦ ਸੀ ਆਵਾ ਜਾਮਣਾ ਅਰੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਣ ਜੜ ਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜਾਮਣ ਕੀ ਬੂੰਦ ਸੀ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਜਾਮਣ ਪੜੀ ਔਰ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਜਾਮਣ ਤੋੜ ਵੀ ਲੈ ਤੋੜੀ ਤੜੀ ਖਾ ਲੈ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੂ ਜਾਮਣ ਕੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਠਾ ਲਈ ਜਾਂਗੀ ਥਮ ਚੁਣ ਸੰਦੇ ਲੋ ਗਿਆ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਰੁਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਛਿਕ ਲਈ ਆ ਜਾਓ ਮਾਰਾ ਸਭ ਕੇ ਹਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਗਿਆ ਲੈ ਲਈ ਅੰਬ ਲੈ ਲਈ ਜਾਮਣ ਲੈ ਲਈ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਛੋਰੀ ਗੱਡੀ ਗਿਆ ਤੋੜ ਲੈ ਤਾਂ 10 ਰੁਕੇ ਆ ਲਈਏ ਹੁਣੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਅਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾਡੀ ਅਰੇ ਇਹ ਬਣਾ ਦੂੰ ਇਨਕੀ ਵੀਡੀਓ ਇਨਕਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ 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 ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਚਲੋ ਕੀ ਅਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਦੀ ਕੇ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਗੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੇ ਖਾਵਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਗੀ ਅਲੇਗੀ ਜੀ ਆੜੇ ਦੇ ਜੁੱਕੀ ਆੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਤ ਤੂੰ ਆਪਨ ਬੋਈ ਵੀ ਥੀ ਨਾ ਜਣਾ ਹਮ ਨਾ ਉੜ ਪਾਰਕ ਮੇ ਬੋਈ ਥੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਮੇ ਬੈਟਰੀ ਕਿਤੇ 18% ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚਾਰਜ ਕਰ ਕਰ ਫਿਰ ਘਰਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਲੈਟਸ ਗੋ ਗਾੜੀ ਮੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੈਠਣ ਕੀ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਜਾਮਣ ਤੋੜ ਲਈ ਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੈਲੀ ਭਰ ਲਈ ਥੈਲੀ